अब तक आपने देखा बेताल राजा भोज को विक्रमादित्य के परोपकार की कथा सुनाता है। वो बताता है कि किस प्रकार सम्राट ने तक्षक के अपराध को रुद्र प्रताप के सामने लाया और नामदेव के जीवन को काल से बचाया। विक्रमादित्य काल से क्षमा मांगते हैं, किंतु काल कहता है कि वो बिना किसी जीवात्मा को लिए वापस नहीं लौट सकता। तब विक्रमादित्य स्वयं अपने प्राण देने को तैयार हो जाते हैं। काल उन्हें साथ लेकर यमलोक जाता है। यमराज इंद्र से कहते हैं कि सम्राट ने नामदेव की जान बचाकर जीवन चक्र में बाधा डाली है। नामदेव मृत्यु के पश्चात राजा रुद्र प्रताप के यहाँ जन्म लेने वाला था। यमराज सम्राट को राजा रुद्र प्रताप के यहाँ संतान की व्यवस्था करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हैं। सम्राट अपने व महारानी चित्रलेखा के भाग्य की संतान को राजा रुद्र प्रताप व रागेश्वरी को देने का निर्णय करते हैं, किंतु ब्रह्मदेव कहते हैं कि सम्राट अकेले ये निर्णय नहीं ले सकते, उन्हें महारानी चित्रलेखा की भी अनुमति लेनी होगी। अब देखिए आगे। तो राजन बताइए, अगर आप मेरे मित्र के स्थान पर होते तो क्या अपने भाग्य की संतान, अपनी इकलौती संतान किसी और को दे देते? बताइए बताइए, उत्तर दीजिए राजन। अच्छा ऐसा कीजिए, वो वहाँ दूर वृक्ष देख रहे हैं, उसकी उस डाल को मैं छू कर वापस आऊंगा और उसके ऊपर लगे पुष्प को चूम कर वापस आऊंगा, तब तक आपको उत्तर देना है, ठीक है? और अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो फिर आप सिंहासन को भूल जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, मैं ये चला। उत्तर दीजिए राजन। ये क्या श्रीमान बेताल, आपने तो मुझसे कहा था कि आप उस वृक्ष पे उस पुष्प को चूम कर आएंगे, पर आप तो वहां गए नहीं। राजन मैंने आपसे कहा था कि मुझ में कई ऐसी शक्तियां हैं जिनका समय आने पर आपको पता चल जाएगा। तो ये भी मेरी एक शक्ति है कि मैं कब वृक्ष तक पहुंचा, कब डाल छुई, कब पुष्प चूमा, कब वापस आ गया, आप कुछ भी नहीं देख पाए, क्योंकि मैं पल भर में कहीं भी जा सकता हूं और पल भर में कहीं से भी आ सकता हूं। नहीं श्रीमान बेताल, जब तक मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से उस पुष्प को चूमते हुए नहीं देख लेता, तब तक मैं नहीं मानूंगा। आप जाइए, उस पुष्प को चूम कर आइए, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे पता था राजन कि आप मानेंगे नहीं, हट करेंगे। छोड़िए, खैर जाने दीजिए, आप आगे की कथा सुन लीजिए, क्योंकि आपकी असली परीक्षा अभी बाकी है, और वैसे ही मेरे मित्र विक्रमादित्य की भी असली परीक्षा बाकी थी, क्योंकि अपने निर्णय के बारे में उन्होंने महारानी को अब तक नहीं बताया था। सम्राट, इस बार आपने बहुत लंबी प्रतीक्षा करवा दी। किसकी परीक्षा ले रहे थे, हमारे धैर्य की या फिर उस बैरन प्रतीक्षा की जो बार बार हमारे मन को बुरी आशंकाओं से भर देती थी? महारानी चित्रलेखा, जब तक आप हमारी सांसों में हैं, हम एक खरोच भी नहीं आ सकते। हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारी सांसों में आपकी भक्ति और प्रेम सदा ऐसे ही बनी रहे। अच्छा, आप जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य तो पूरा हो गया ना सम्राट? कार्य तो हुआ महारानी, परंतु पूर्ण नहीं हुआ, और इसे पूर्ण करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम कुछ समझे नहीं सम्राट। आप हमारे साथ चलिए। सारी समस्या में से केवल एक समस्या अनसुलझी रह गई। कौन सी समस्या सम्राट? पुत्र प्राप्ति के लिए महारानी रागेश्वरी ने व्रत रखा था, उनका वो व्रत अधूरा रह गया, तो मात्र सुख से वंचित हो गई। ये तो सचमुच बहुत बुरी बात है कि वो एक स्त्री की संपूर्णता से वंचित रह गई। किंतु आप दुखी ना हो सम्राट, क्योंकि संतान का पाना या ना पाना ये तो भाग्य की बात है, और फिर आप किसी के भाग्य को तो नहीं बदल सकते ना सम्राट। सही कह रही हैं आप।
हम अकेले नहीं कर सकते, परंतु हम मिलकर एक मत होकर अवश्य कर सकते हैं महाराज। परंतु कैसे सम्राट? यदि हम अपने भाग्य की संतान उन्हें दान कर दें, हमने तो निर्णय भी ले लिया है कि हमारे भाग्य की संतान महाराज रुद्रप्रताप के महल में ही जन्म लेगी। हमने सही निर्णय लिया ना महारानी? महल में सम्राट को इस समय प्रवेश नहीं करना चाहिए था। यह घड़ी बहुत ही अशुभ है। ऐसा नहीं कि हम कठोर हैं और आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे, तो फिर आप ही बताइए ना कि हम अपना सौभाग्य कैसे किसी को दान कर दें? इसलिए क्योंकि जीवन का सच्चा सुख परोपकार में, कुल का सम्मानित रथ संतान से नहीं धर्म से आगे बढ़ता है। श्री महाराज, आपका मुंह फेर लेना यह संकेत देता है कि आप हमारी बात से सहमत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हैं, हम आप पे कोई दबाव नहीं डालते। परंतु एक विनती है आपसे महाराज, यदि ये विनती संतान दान से संबंधित है तो एक मां ये विनती सुने बिना उसे ठुकराती है। हे महादेव, ये आपने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया? एक और पत्नी धर्म, दूसरी तरफ स्त्री धर्म, तीसरी तरफ मात्र धर्म। यदि पत्नी धर्म को छोड़ते तो पाप के भागी बनते, और यदि स्त्री धर्म को छोड़ते तो पांच मन के कलंक को सहते और मात्र धर्म को त्यागते तो स्वयं को ही चलते हैं। हे महादेव, ये कैसी विडंबना है? कोई दिशा दिखाइए, हम क्या करें? आंसू पोछे महाराज चित्रलेखा, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। सम्राट, हम आप ही बताइए, हम किस ओर जाए, क्या करें? किसी और नहीं, आप वहीं रहे, अपने निर्णय की उसी धुरी पर जिस पर आप हैं। संतान दान करने का संकल्प हमारा है, आप चिंतित ना हो। परंतु निर्णय लेने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या? आपको हमारे साथ चलना होगा। राजन, जरा इधर आइए, यहाँ आइए। किधर? जी हाँ, सिंहासन के बीच में खड़े हो जाइए। थोड़ा इस तरफ जाइए। इस तरफ? मान बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मान बेटा, ये आप कर क्या रहे हैं? देख रहा हूं कि मेरे मित्र के सिंहासन के नजदीक खड़े होकर आप कैसे दिखाई पड़ते हैं। जा रहा हूं ना? बिल्कुल भी नहीं। राजन, आप जब मेरे मित्र के सिंहासन के समीप खड़े होकर अच्छे नहीं लग रहे तो इस पर बैठकर कैसे लगेंगे?
तो आप मान लीजिए कि ये सिंहासन आप पर और आप इस सिंहासन पर शोभा नहीं देंगे। श्रीमान बेताल, यदि आपका मनोरंजन हो गया हो तो आगे की कथा सुनो। मुझे पता था आप नहीं मानेंगे, हट करेंगे आप। ठीक है, सुनिए आगे की कथा। प्रिय प्रजाजनों, हम जानते हैं कि हमारे बीच से किसी का भी जाना दुखदाई होता है, परंतु भाग्य और विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। और हमारे भाग्य की लेख यह कहती है कि अब हमें आपसे सदा सदा के लिए विदा लेने का समय आ गया है। हमें आपसे सदा सदा के लिए विदा लेने का समय आ गया है। हे धर्म सभा के ऋषियों, हमने यह विचार कर लिया है कि अब इस पापमय जीवन को जीने का हमें कोई अधिकार नहीं। इसलिए आज रात्रि के शुभ पहर में हम दोनों ने जल समाधि लेने का निर्णय किया। नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। आप हमें अनाथ करके नहीं जा सकते महाराज। हम आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे महाराज। हाँ, नहीं जाने देंगे महाराज को। शांत शांत भक्तजनों, स्नेह का बंधन मत डालिए इनके पैरों में, जाने दीजिए इन्हें। रुकिए महारानी, महारानी, कहाँ जा रही है? किसी का जीवन बचाने। किसका? राजा रुद्रप्रताप और महारानी रागेश्वरी का। उनका दुख हमसे देखा नहीं गया। यदि हमारे अजन्मे शिशु के दान से उनके और उनकी प्रजा के जीवन में सुख के पल आ सकते हैं तो हम अपनी संतान का दान कर देंगे। छोड़ देंगे हम अपना मातृत्व पद, किंतु हम उन्हें बचाएंगे। क्या कह रही हैं आप? जी महाराज, यही हमारा अटल और अंतिम निर्णय है। आपको पाकर धन्य हो गए हम। हमारी प्रेरणा के स्रोत भी केवल आप ही हो महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन विचारों में खो गए आप? सोच रहा हूं कि महारानी चित्रलेखा ने कितना बड़ा त्याग किया था। एक पल जिस त्याग का उन्होंने घोर विरोध किया था, तो दूसरे ही पल किसी का दुख देखकर उस त्याग को करने को तुरंत तैयार हो गए। मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य थे ही इतने सौभाग्यशाली जो उन्हें ऐसी पत्नी मिली थी। हे परमपिता परमेश्वर, हम सच्चे मन से आपकी प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाग्य का संतान सुख महाराज रुद्रप्रताप और महारानी रागेश्वरी के भाग्य का संतान सुख बना दीजिए। कृपा करें हम पे। अब हमें आज्ञा दीजिए। Oh,
क्यों देवी, क्या हुआ? क्या जीवन के प्रति मोह जाग गया या फिर डूबने से भय लगने लगा? जी महाराज, हमें मोह जाग गया। मैं कुछ समझा नहीं महारानी। महाराज, हमें हमारे गर्भ में जीवन की अनुभूति हुई है। ये कैसे हो सकता है महारानी? ये आपका भ्रम है। नहीं महाराज, एक नारी को अपने गर्भ के जीवन का कभी भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा है तो इसकी सत्यता अभी प्रमाणित हो जाएगी। चलिए तट पर। ऋषिवर, महारानी अभी अभी भ्रम का शिकार हुई है, तनिक इनकी नाड़ी तो देखिए। महाराज, चमत्कार हो गया, महारानी के जीवन के साथ एक और जीवन जुड़ चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? सत्य कह रहा हूं महाराज। महाराज रुद्रप्रताप की जय! महाराज रुद्रप्रताप की जय! हे प्रभु, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। आपकी बहुत बड़ी कृपा। राजन, ये उपकार प्रभु का नहीं अपितु परोपकारी सम्राट विक्रमादित्य का है। महारानी चित्रलेखा, आपने जो कार्य किया है इसे संसार हमेशा याद रखेगा। दृढ़ सम्राट, आज आप दोनों ने परोपकार का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह संसार में ध्रुव तारा के समान चमकेगा। ऐसा महान परोपकार ना तो पहले कभी देखा गया है और ना ही भविष्य में कभी देखा जाएगा। सच में सम्राट, इस धरती पर आप धर्म के सच्चे प्रतिनिधि हैं। आज पहली बार काल को किसी के परोपकार ने पराजित किया है। सचमुच आप धन्य हैं। विधि के विधान को व्यवस्थित रखने के लिए जो भूमिका आपने निभाई है उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आभार स्वरूप हम आपका लिया हुआ जीवन आपको वापस करते हैं। सम्राट, क्या जो हमने काल के मुख से सुना वो सच है? आदि, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। यदि आज हम परोपकार नहीं करते तो हम तो अपना सब कुछ खो बैठते। आपने हमसे ये सच क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताई आपने हमें ये बात? वो इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि इस दान का निर्णय आप अपनी स्वेच्छा और परोपकार के भाव से करें, ना कि हमारे कहने या हमारे दबाव से। आपने हमारी मन की बात भी सुन ली महाराज। परोपकार की शक्ति से परिचित करवाने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट। सच्चे मन से किया गया परोपकार कभी व्यर्थ नहीं होता महाराज। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.